हाय मैं अल्ताफ, बॉलीवुड अपडेट में आपका स्वागत। फटाफट देखते हैं क्या है आज की बॉलीवुड की टॉप 5 खबरें। पाकिस्तान के कराची एयरपोर्ट पर फिल्म मेकर कबीर खान के साथ हुई बदसलूकी। पाकिस्तान में बॉलीवुड के फिल्म मेकर कबीर खान के साथ बदसलूकी की गई है। कबीर एक कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने के लिए पाकिस्तान पहुंचे थे। जिन्ना एयरपोर्ट पर खड़े अज्ञात लोगों ने कबीर खान का स्वागत शेम शेम के नारों से किया और उन्हें जूते भी दिखाए। कहा जा रहा है कि फैंटम फिल्म के कारण कबीर खान का विरोध किया गया। अक्षय कुमार ने रियल आईपीएस ऑफिसर के साथ किए दो दो हाथ। खिलाड़ी अक्षय कुमार ने हैदराबाद में रियल आईपीएस अफसर के साथ बॉक्सिंग की। अक्की ने इस बॉक्सिंग का वीडियो अपने ट्विटर पर शेयर किया है। इस वीडियो में अक्की की रियल फाइट देखकर वाकई रोंगटे खड़े हो जाते हैं। द कपिल शर्मा शो महज 3 महीने तक चलेगा। मशहूर कॉमेडियन कपिल शर्मा का द कपिल शर्मा शो महज 26 एपिसोड तक ही चलेगा। कपिल ने जानकारी देते हुए कहा कि ये एक सीजन वाइज सीरीज है जो बीच बीच में ब्रेक लेकर टेलीकास्ट किया जाएगा। पहला सीरीज 26 एपिसोड तक चलेगा। अंकिता ने दिए सुशांत के साथ ब्रेकअप होने के संकेत। अंकिता लोखंडे ने ट्विटर अकाउंट पर एक तस्वीर शेयर की है जिससे सुशांत सिंह राजपूत के साथ उनके ब्रेकअप होने के संकेत मिल रहे हैं। इस तस्वीर में अंकिता दुखी लग रही हैं। उन्होंने लिखा है कि इतने साल मैंने पढ़ाई की लेकिन इस दौरान मुझे किसी ने नहीं पढ़ाया कि अपने आप से कैसे प्यार करूं, और ये जरूरी क्यों है। सरकारी वेबसाइट पर सनी लियोन की न्यूड पिक ने मचा दिया कोहराम। हैदराबाद के नगर निगम कार्यालय की वेबसाइट पर बेबी डॉल सनी लियोन की न्यूड तस्वीर फ्लैश हुई। पूरे दिन जद्दोजहद करने के बाद इस तस्वीर को हटाया जा सका। सनी लियोन की इस तस्वीर ने इन अधिकारियों के पसीने निकाल दिए। आज बॉलीवुड अपडेट में इतना ही। फिर मिलते हैं बॉलीवुड की टॉप 5 खबरों के साथ। तब तक देश और दुनिया की जानकारी के लिए आप india.com पर लॉग ऑन करें और पढ़ते रहिए ताज़ा खबरें।